क्या क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का, क्या इस बार लोग देख रहे हैं? बस ये चेंज चाहते सरकार की, और क्या है, सरकार की चेंज चाह रहे हैं। आपने डाला वोट? डाला डाल के आ रहा साहब। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव मार्केट में? बहुत बढ़िया माहौल है और पहले से ज्यादा उत्साह है। क्या देख रहे हैं चुनाव का मूड मिजाज? संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ। चलो चलते रहो, भीड़ मत लगाओ। किसका ज्यादा लोग इस बार सोच रहे हैं? इसका बहुत ज्यादा चल रहा है, पंजा का चल रहा है जोर। अच्छा, यही जो है वो टटोलने वाली बात है कि आज होता है क्या, लोग वोट कर रहे हैं, आपने किया है, क्या सोच रहे हैं लोग इस बार? ज्यादा तो मोदी जी का ही सोच रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के बारे में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। अच्छा, तो यही टटोलने वाली बात है कि इस बार लोग जो है वो किसकी तरफ, क्या रुझान उनका दिख रहा है? डाल चुके हो। क्या देख रहे हो? बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 4 सालों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा को पूरी तरीके से संपन्न नहीं कराया, वो वाला मुद्दा काफ़ी बड़ा है। ये मुद्दे हैं। हाँ ठीक। मेरे हिसाब से तो संजय शुक्ला आना चाहिए। संजय शुक्ला आपको नेता है, उड़ने वाले नेता नहीं है, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ने वाले। तो इस बार हैवीवेट कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने भी, लेकिन क्या करें, उड़ने वाले नेता हैं, उड़ते ही जाएंगे यहाँ से। आपको माहौल दिख रहा है, रोको, वोट डाल दिया आप लोगों ने? डाल दिया। वोटर क्या सोच रहा है इस बार? वोटर बदलाव सोच रहा है। अच्छा, आप क्या? सही बोला, बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। बदलाव क्या, इधर सीट पे देख रहे हैं, सरकार का देख रहे हैं? दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश की खास सीट, एक तरह से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कुछ चुनिंदा हॉट सीट हैं, उसमें से एक हॉट सीट इंदौर की एक नंबर विधानसभा कैलाश विजयवर्गीय, और उनके सामने हैं कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला। और सुबह सुबह लोग वोट दे करके यहाँ से आ रहे हैं। तो मलारगंज का ये क्षेत्र है, इंदौर एक नंबर विधानसभा है, और सुबह सुबह लोग जो है वो वोट दे करके निकल रहे हैं। और यहीं पर चलते चलते थोड़ा सा लोगों से बात करेंगे कि इस बार मामला क्या दिख रहा है, इस बार क्या वाकई कैलाश विजयवर्गीय का इस बार यहाँ पर जोर रहेगा, उनका निकल रहा है, या फिर जो है वो संजय शुक्ला वो बरकरार रहेंगे? सवाल बहुत सारे हैं। तो क्या देख रहे हैं, वोट डाल दिया आपने? उंगली दिखाई जरा। डाल दिया है, वोट डाल दिया। क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग, क्या देख रहे हैं? जो सरकार काम करेगी वो आएगी, तो सरकार अच्छा काम करेगी, हिंदुत्व के लिए काम करेगी। अच्छा, वही सरकार आएगी, ये मुद्दा है आपको? ये मुद्दा हमको। ठीक है, वोट डाला आपने? क्या इस बार क्या देख रहे हैं? बीजेपी। अच्छा, हाँ वोट डाला है जी। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या देख रहे हैं? जेएनयू का अच्छा होना चाहिए। जेएनयू का अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हाँ, जो भी पार्टी आए जेएनयू का उद्धार करे, जो गंदे काम हो रहे हैं वो बंद हो जाए। ये आपको लग रहा है कब्जी हो रही है? हम हाँ। तो उसी चीज को देख रहे हैं। हाँ। वोट डाल दिया आप लोगों ने? डाल दिया। क्या क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का, क्या इस बार लोग देख रहे हैं? सरकार की चेंज चाह रहे हैं। उंगली दिखाई, आप भी दिखाई उंगली, उधर वाली उंगली है, ऐसा करिए। हाँ, आपने डाला वोट? डाला डाल के आ रहा साहब। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव मार्केट में? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ। और पहले से ज्यादा उत्साह है, नौजवान पीढ़ी आने से वोटर और बढ़ेगा। तो इस बार किसकी तरफ ज्यादा देख रहे हैं लोग? बस जो है वही है। अच्छा, बाकी तो प्रतिशत बढ़ेगा, वोट बहुत बढ़ेगा, बहुत जनता में उत्साह है। क्या कह रहे हो? आएगा चुनाव का वोट? डाल दिया? मैं अभी नहीं डाला, अब डालेंगे, अब जाएंगे डालने। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनाव का मूड मिजाज? संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ। हाँ, चलो चलते रहो, भीड़ मत लगाओ। वोट डाल दिया या नहीं डाला है? नहीं डाला था वोट, पर्ची नहीं आई मेरी। पर्ची नहीं आई। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजन सोलंकी। ये भी मामला है इधर। वोट डाला कि नहीं डाला है? डालेंगे भी अब हम। क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में अच्छा देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, अच्छा भारत के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हाँ। और जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। ठीक है, डाला आपने वोट? डाला है। क्या देख रहे हैं? सब बढ़िया चल रही है, अच्छे चल रही है वोटिंग। किसका ज्यादा लोग इस बार सोच रहे हैं? इसका बहुत ज्यादा चल रहा है, पंजा का चल रहा है जोर। अच्छा, तो वोट डालने के लिए जा रहे हैं? डाल दिया है, थोड़ा के लीजिए। क्या देख रहे हैं इधर, थोड़ा सा इधर ले लीजिए। विकास देख रहे हैं। आपने क्या सोच के डाला इस बार वोट? कैलाश जी का विकास करेंगे। वोट डाल दिया आपने? अभी डालेंगे भैया, अभी डालेंगे। क्या सोच रहे हैं इस बार मतदाता यहाँ पे? कैलाश दादा, कमल का फूल। अच्छा अच्छा, तो यही जो है वो टटोलने वाली बात है कि आज होता है क्या,
वोट डाल दिया आपने? अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे। थोड़ी देर बाद क्या सोच रहे हैं इस बार आप लोग? जो अच्छा हो जाए देश के लिए। अच्छा, हाँ, राज्य के लिए, शहर के लिए। मुद्दा सबसे बड़ा इस बार क्या दिखा चुनाव में? चुनाव मुद्दे तो सब पुराने भी है। हाँ। पुराने मुद्दे भी है, नए भी है, राम मंदिर का भी है। हाँ। आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वोट डाला आपने? जलेबी तो बड़े उतार रहे हैं, वोट भी डाला है कि नहीं डाला है? डालेंगे डालेंगे, अभी डालेंगे, शाम को जाएंगे। क्या क्या दिख रहा है माहौल, क्या सब? बढ़िया बढ़िया। हाँ? बढ़िया माहौल है। क्या सोच रहे इस बार यहाँ का मतदाता, क्या सोच रहा है? यहाँ बढ़िया माहौल है। जलेबी सीधी बनेगी नहीं? सीधी नहीं बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टा उल्टा केला जी का माहौल चल रहा है। नमस्कार साहब, सुबह सुबह जलेबियाँ निकाल रहे हैं, फोआ दे रहे हैं, वोट वगैरह भी डाला है कि नहीं डाला? नहीं, बस अब जा ही रहे साहब, कर्मचारी भी बस जा ही रहे। अच्छा, सभी लोग बस निकल ही रहे। क्या क्या देख रहे हैं, मुद्दा क्या लग रहा है इस बार आपको? बरोबर बरोबर है, कह दूं साहब? अच्छा, डाल दिया आपने, वोट डाल दिया? क्या सोच रहे हैं आप मतदाता, क्या देख रहे हैं? देखो नतीजा आएगा जब मालूम पड़ेगा। फिर भी क्या थोड़ा बताइए जरा, क्या इस बार ज्यादा मुद्दा हावी रहा? अच्छा अच्छा है माहौल। अच्छा, डाला वोट डाला आपने? अभी नहीं डाला है। क्या देख रहे हो भाई, नौजवान है, नौजवान क्या सोच रहा है इस बार? अब तो टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला है, मोदी जी। हाँ, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, वोट डाल। अच्छा, वोट डाल के तब अपना जो है नाश्ता चल रहा है? नाश्ता चल रहा है। क्या इस बार लग रहा है? बढ़िया है माहौल, अच्छा है, एकदम बढ़िया है। लोग वोट कर रहे हैं, आपने किया है, क्या सोच रहे हैं लोग इस बार? ज़्यादा तो मोदी जी का ही सोच रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के? आपको क्या लग रहा है? बीजेपी। अच्छा, तो यही टटोलने वाली बात है कि इस बार लोग जो है वो किसकी तरफ, क्या रुझान उनका दिख रहा है? वो डाला कि नहीं डाला? अभी डाला ये आपने डाल दिया? ये बोला अभी नहीं डाला। अच्छा, जाएंगे डालने के लिए? अभी देर से, मैं बोल नहीं पाऊंगा ये। नहीं नहीं, बोलना नहीं है फिर? बोला? अच्छा, बोला बिल्कुल नहीं है। बस केवल इतना बताना कि वोट डाला कि नहीं डाला? अभी नहीं डाला। क्या सोच रहे, मुद्दा क्या है इस बार बड़ा? मुद्दा बड़ा क्या है इस बार? मुद्दा बड़ा है अपने संजय शुक्ला जी। संजय शुक्ला कांग्रेस का? हाँ। अच्छा, आपके लिए? डाल चुका हूँ वोट। डाल चुके हो, क्या देख रहे हो? बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने 4 सालों में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा को पूरी तरीके से संपन्न नहीं कराया, वो वाला मुद्दा काफी बड़ा है। ये मुद्दे हैं? हाँ। ठीक है, चलिए आइए आइए, थोड़ा आगे आइए। इधर भी एक जो है वो नाश्ते की सुबह सुबह यहाँ पर दुकान है, और यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है वो सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। वोट डाल दिया, डालने के लिए जा रहे हैं अभी? मैं डाल के आया हूँ। डाल के आए, क्या देख रहे हैं इधर? सब अच्छा चल रहा है। हाँ, जो चल रहा है ये देख। अच्छा, क्या सोच रहा है इधर इस बार मतदाता, क्या सोच रहा है वोटर, क्या सोच रहा है? वो तो मैं बताऊँ। हाँ। आप तो झूठ बोलता नहीं हूँ। हाँ। मैं मंदिर में ही काम करता हूँ। कमल का फूल। अच्छा, ठीक है, तो वोट डाल दिया आपने? हाँ। क्या क्या माहौल देख रहे हैं इधर इस बार? इधर से कोई अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। मुर्गा बाखल में डाला हमने, छिपा बाखल में डाला वोट। अच्छा, तो डाल दिया आपने भी, वोट डाल दिया? डालेंगे डालेंगे। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? अच्छा माहौल है, एक नंबर, एक नंबर पे एक नंबर, एक नंबर माहौल है अभी। अच्छा, एक नंबर सीट पे एक नंबर माहौल। हाँ, क्या इस बार ज्यादा जो है वो चीजें चल रही हैं? ये तो हर सर, इसको तो कोई बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता इसका क्या हो सकता। लेकिन मामला फंसा हुआ है, दो ही पार्टी टकरी है ना। हाँ। इसलिए बोल नहीं सकता। डाला आपने भी वोट? डाला कि डाल दिया है? तो क्या क्या देख रहे हैं इधर? यार अभी तो देखो दोनों ही पार्टियां बहुत जोरदार दम दिखा रही हैं, लेकिन जो काम संजू भैया ने करा है उसके मुताबिक तो अभी तो आगे चल रहे हैं यार मेरे निगाह में। संजय शुक्ला कांग्रेस की तरफ से आगे चल रहे हैं? बिल्कुल बकायदा। चलिए, हाँ, क्या लग रहा है बोस आपको? मेरे हिसाब से तो संजय शुक्ला आना चाहिए। संजय शुक्ला आपको नेता है, उड़ने वाले नेता नहीं है, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ने वाले। तो इस बार हैवीवेट कैंडिडेट उतारा है बीजेपी ने भी, लेकिन क्या करें, वो उड़ने वाले नेता है, उड़ते ही जाएंगे यहाँ से, ऐसी बात है। अच्छा, हाँ, तो ये आप प्रेस से हैं क्या? अच्छा, क्या देख रहे हैं इधर चुनाव का, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए ओवरऑल बात की जाए तो 9 सीट में से 6 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, और इधर सबसे टसल वाली सीट की अगर मानी जाए इंदौर शहर की तो क्षेत्र क्रमांक 1 है। हाँ। जहाँ से कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस संजय शुक्ला है। हाल ही में देखने में आ रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो मूड है
वो कुछ का भारतीय जनता पार्टी की तरफ पर कुछ का वर्तमान विधायक की बात की जाए तो कांग्रेस से संजय शुक्ला है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और नेता उनके सामने खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं जनता भी असमंजस की स्थिति में है कि वो मामला फंसा हुआ लग रहा है। मामला बहुत कांटे की टक्कर का फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो पूरी जो है इन्होंने भूमिका बांध दी है। आप लोग भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं अभी? अच्छा, महाराष्ट्र घूमने के लिए आए? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वोट डाला? हमारा बहुत तो डाल चुका है, बहुत डाल चुका है, त्योहार मन गया जैसे कोई त्योहार जैसा वोट। बहुत अच्छी बात, बहुत बोलना का बढ़िया। और है भी त्योहार, ये त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है समझो, और अच्छे वोट डाला, सबको मजा आ गया। तो इतने जागरूक मतदाता है आप, क्या समझ रहे हैं इस बार? अरे इस बार तो बस समझना ही समझना है। क्या रुझान लग रहा है वोटर का मुद्दा इस बार क्या है? रुझान तो आप सब 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा रुझान। वोटर का मुद्दा क्या है इस बार? वोटर का मुद्दा ये तो, अरे अभी तो आप बड़ी जोर शोर से बात कर रहे थे त्योहार की रो, हाँ, लेकिन मतदान का मुद्दा 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। मुद्दा इस बार क्या ज्यादा रहा लोगों में? मुद्दा क्या बताएं, वो तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, नहीं बोल पाएंगे। चलिए, वोट डाल दिया आपने? बस अभी डालने जा रहे हैं। डालने के लिए जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? अच्छा माहौल है, जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार ज्यादा? ज्यादा यही है बस, विकास का मुद्दा है मेन चीज, वही है, विकास होना चाहिए, बाकी तो सब चल रहा है। कोई भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी तो वही होगा, बीजेपी भी आएगी तो वही होगा। तो मामला कैसा फंसा हुआ लग रहा है कि एक तरफा है, कैसा है? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है, बीजेपी की लिखता है कि एक नंबर में बीजेपी आएगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल आए। चलो, तो बॉस ये जो है वो आपको माहौल दिख रहा है। रोको बॉस, रोको रोको रोको। वोट डाल दिया आप लोगों ने? डाल दिया। क्या देख रहे हैं इधर आप लोग? वोटर क्या सोच रहा है इस बार? वोटर बदलाव सोच रहा है। अच्छा, आप क्या? सही बोला, बिल्कुल बदलाव देख रहे हैं। बदलाव देख रहे हैं। बदलाव क्या, इधर सीट पे देख रहे हैं, सरकार का देख रहे हैं? दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मतलब इधर सीट पे तो कांग्रेस के विधायक है अभी, हाँ। तो उनको बदलेंगे और सरकार को उधर बीजेपी को बदलेंगे, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, तब क्या कह रहे हैं? विधायक को बदलने की बात नहीं, सरकार को बदलने की बात। सरकार को बदलने की बात, ऐसी बात है, सरकार को बदलेंगे तभी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोशिश यही है ज़्यादा लंबी बातचीत आज ना की जाए, थोड़ा ज्यादा लोगों से बातचीत की जाए। कैसे नहीं मालूम, मैंने बोला था। वोट डाल दिया? अभी नहीं डाला, अब डालने जा रहे हैं। अभी डालने के लिए जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं चुनाव में? एक मिनट के लिए रुकिए। हाँ, चुनाव बीजेपी आएगी ऐसा लग रहा है। तो आप भी यहीं के वोटर हैं? हम दोनों पति पत्नी। अच्छा, तो वोट के लिए जा रहे हैं अभी? क्या चुनाव में इस बार समझ में आ रहा है, मतलब चुनाव में क्या समझ में आ रहा है? आप लोग जा रहे हैं वोट डालने के लिए, अभी क्या सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? देखो, जो उचित काम करेगा वो जीते और हम उसी को वोट देंगे। तो इधर कैसा माहौल, कैसा लग रहा है? एक तरफा ज्यादा है या फंसा हुआ टक्कर का मामला? दोनों अच्छा बराबर चल रहे हैं। अच्छा, आपको कैसा दिख रहा है? मैं एक्चुअल में अपना मौलिक अधिकार है वोट डालने का, तो उसका मैं निर्वाह कर रहा हूँ। चूँकि रही बात पार्टी लेवल की, तो मैं तो एक बात जानता हूँ कि एक जो मोदी जी ने जो काम किया है, और अगर युवा लोग या हम सभी के लोग उसको अगर नज़रअंदाज करते हैं, और वो चाहे क्योंकि पुरानी चीज़ें हम देख चुके हैं, अब नया कुछ होने वाला है, तो हमको तो एक कमल पे विश्वास है। ठीक है तो, हाँ, हाँ, वोट डाल दिया आपने? क्या देख रहे हैं इस बार आप चुनाव में? जो देश और धर्म के लिए, हाँ, काम करेगा उसको हम वोट करेंगे। अच्छा, वोट डाला आपने? थोड़ा थोड़ा इधर आइए। अच्छा, आपने डाल दिया वोट? नहीं डाला। क्या सोच रहे हैं इस बार आप? डाल रहे हैं बस वोट, सोचना क्या है? नहीं, सोच करके तो वोट डालना चाहिए, कोई भी पार्टी को देना है, हाँ, बीजेपी या कांग्रेस, हाँ, बस कोई को भी देना है। ज्यादा किसका माहौल दिख रहा है? माहौल वाहौल देखिए, आज के रोज कोई माहौल नहीं है। हाँ, बताइए, आज के रोज कोई, बोलिए, क्या सोच रहे हैं, सोच क्या रहे इस बार? बदलाव। अच्छा, वोट डाल दिया आपने? थोड़ा आगे डाल दिया है। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार आप? मतदाता क्या सोच रहा है? इस बार बदलाव चाहिए हमको, बदलाव, सरकार का बदलाव, सरकार का बदलाव ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमारी सरकार आई थी, उसके बाद इन्होंने चोटों ने ना 28 विधायक खरीद के सरकार बदल दी थी। यहाँ जाम लग गया। हाँ, आपने भी डाल दिया वोट? हाँ। तो भाई साहब तो खुल के बोल रहे हैं, क्या आप क्या सोच रहे हैं इस बार? नहीं, वाकई में सरकार बदलनी चाहिए इस बार। आपको लग रहा है ऐसा? तो ये महिलाओं का ज्यादा रुझान किस तरफ है? वो मैं नहीं जान सकती, क्योंकि उन जिन जिन महिलाओं को पैसा मिलता है वो ज्यादातर, जो आप ज्यादातर जिनमें बात करती हैं, आपकी जो साथ की जो और महिलाएं हैं, पड़ोस की हैं,
क्या इस बार समझ में आ रहा है? मुझे तो यही समझ में आता है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। ठीक है ठीक है, देखिए हाँ थैंक यू। उसकी नहीं सुनते हो क्या? नहीं नहीं, पहले पूरा सुना, फिर मैडम का सुना, फिर और लोगों का सुनेंगे। आज डिबेट का काम नहीं है, आज केवल बस थोड़ा सा दो चावल निकाल करके चेक करें कितने पका हुआ है। क्या लग रहा है चुनाव का सर? इस बार तो बीजेपी आएगी लग रही है। ऐसा लग रहा है? हाँ सर, बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। क्या चुनाव का क्या देख रहे हैं? चुनाव का लोगों में बहुत उत्साह है, लोग सुबह से ही मत अपने मत का उपयोग करने के लिए निकल चुके हैं। अब देखना ये है कि कौन विजय होता है और कौन अपराजय होता है। क्या मुद्दा इस बार पड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है जो मूलभूत समस्याएं सड़क की है, पानी की है, तो दोनों उम्मीदवारों से अपेक्षा ये है। ठीक है, क्या देख रहे हैं इधर चुनाव में? चुनाव में सब बढ़िया चल रहा है, और क्या है, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की जीत पक्की चल रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है चुनाव को अभी? आपको तो रोज देखता हूँ मैं टीवी पे। क्या देख रहे हैं इस बार? बहुत बढ़िया है, संजय शुक्ला का माहौल चल रहा है खूब बढ़िया ऐसा लग रहा है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? जिसको देखो संजय कर रहे हैं आगे, जिसका हो जाए। ठीक है, वोट डालने के लिए जा रहे हैं? हो गया। अच्छा, आप भी उंगली दिखाइए जरा, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? की बार जो भी है डाल दिया हमने। ज्यादा मतदाता इस बार किसकी तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्या रुझान दिख रहा है? ये तो अब 3 तारीख को पता चलेगा। मुद्दा क्या है, आपको क्या लग रहा है इस बार इधर? बस जो भी है ठीक है। बताइए इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या सोच के वोट डाला है? अब डाल तो दिया, बोल डाल दो, दे दो कमल का फूल। आपको लग रहा है? ठीक है, थोड़ा इधर आइए। थैंक यू। बताइए क्या देख रहे हैं चुनाव का इधर? चुनाव में बहुत अच्छा है, लोगों के प्रति एक जागरूकता, नई जागरूकता देखने को मिल रही है। सबको लोगों ने मतदान करने जा रहे हैं, कोई मरीज है कोई कैसा है। अभी एक जना बोतल हाथ में लेके और उसको मतदान कराने लेके आए, बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो मतदाता क्या सोच रहा है इस बार? मतदाता का वापिस जो परिणाम दिख रहा है बीजेपी की ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बीजेपी की ओर दिख? ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा लोगों से थोड़ा बात हो जाए। थोड़ा सा कुछ लोग इधर बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप सबकी तरफ हाथ कर रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं, बताइए क्या देख रहे हैं? नहीं, वोट डालने जाऊंगा जब बताऊंगा ना मैं। वोट क्या सोच रहे हैं वोट डालने के लिए इस बार? पहले मैं जनता को देखूंगा उसके बाद वोट डालूंगा इस बार। सबकी तरफ जो है ये हाथ कर करके बता रहे, इससे भी पूछ लो उससे भी पूछ लो, अपनी नहीं बता रहे। तो मैं वही तो देख, पहले जनता को देखूंगा उसके बाद वोट डालूंगा सर के। बताइए क्या माहौल लग रहा है? माहौल का जो माहौल दिख रही है अभी, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। चेहरे पहचान सकते हैं, चेहरे की मुस्कान पहचान सकते हैं। तो जिसको मुस्कान है, कैसा फंसा हुआ लग रहा है कि एक तरफा है, कैसा है? हाँ ऐसा लग रहा है। कैसा है कि हवा का झोंका डुगमग डुगमग है। हाँ अभी कभी इधर उधर का उधर। तो ये सीट भी फंस गई है क्या? नहीं, लंगर डाल दिया, जहाज ने किनारे पे आएगा। किसका किनारे पे आएगा? दोनों किनारे पे लाने जो वर्तमान मोदी जी का लंगर डाल गया जहाज आएगा। अच्छा, समुद्र इधर आ जाइए। क्या देख रहे? हर हर मोदी और घर घर मोदी। अच्छा ठीक है, तो भाई इधर जो है आप लोगों ने वोट कर दिया? भैया जी से बात करो। वोट कर दिया? हाँ सर, अभी वोट डालने जाएंगे सर। अच्छा, क्या सोच रहे इस बार मतदाता? क्या सोच रहा है मतदाता? सोच रहा जो चल रहा है देश के अंदर वो चलना चाहिए। अच्छा, और वो विलम्ब आना चाहिए कि बढ़िया से बढ़िया काम होए, और उसकी इकोनॉमी ये रहे कि जनता खुश रहे, और देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा रहे कि जनता को खुश रखे। चलिए, सब तो अपनी तरफ से खुश रखने की कोशिश करते ही है, बहरहाल जनता किसके साथ है। क्या वोट डाल दिया कि जा रहे हैं? वोट डाल दिया, लेकिन मेरी एक समस्या है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोई भी जो वो है, हाँ, वो नहीं मान्य हो रहा है। यहाँ पर जो है नक्शेबाजी करी जा रही है, मोबाइल में सारे डॉक्यूमेंट दिखाने ओरिजिनल मंगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का कहना है कि डिजिटल से डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा। मैं खुद परेशान, आधे घंटे लाइन में खड़ा रहा, जब नंबर आया मेरा तो बोले आप लेके आओ ओरिजिनल। ये भी मतदान जो प्रभावित हो रहा है इससे, तो हो रहा ना सर? नहीं तो और मतदान बढ़े बढ़ेगा ना सर। आज मैं आज लाइन से लगा, मेरा नंबर आ जाए, जब मैं मोबाइल में आपको आधार कार्ड पैन कार्ड सब दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हो, तो फिर क्या है? माहौल कैसा समझ में आ रहा है वैसे? माहौल बहुत अच्छा है।
अच्छा हाँ, क्या ज्यादा लोगों का रुझान दिख रहा है, मुद्दा क्या बड़ा दिख रहा है इस बार? मुद्दा कुछ नहीं है, जो लड़ाई है कैलाश जी और उनकी है संजय शुक्ला की, लेकिन कैलाश जी जो है एक तरह से इंदौर की राजनीति के बब्बर शहर है, तो वो तो चुनाव जीतना ही जीतना जैसा है। हाँ अच्छा, तो ये चुनाव में वोट डाला कि नहीं डाला है? डाल दिया। क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार हम तो ड्यूटी पे हैं इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा चलिए, ये भी अच्छा है। वोट डाला आपने? जारी डाल। क्या सोच रहे हैं आप, महिलाएं क्या सोच रही इस बार? सर मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकती क्या सोच रही, मैं दाने लेके। अच्छा तो देखिए, यही चुनाव का जो है वो मजा है, कोई खुल करके बोलेगा, कोई इशारों में बोलेगा, कोई हाव भाव से बोल जाएगा, किसी की मुस्कान कुछ बता जाएगी, किसी के चेहरे का गुस्सा कुछ बता जाएगा, और यही चीज़ें जो है वो टटोल करके आपको पता चलेगा कि इस बार के चुनाव में हो क्या रहा है। लेकिन एक बात दिख रही है कि जो बातें दिल्ली में बैठ करके आप सोचे, या लखनऊ में बैठ करके, या किसी और बड़े शहरों में बैठ करके आप सोचे कि बड़ा नाम है इसलिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल कोशिश यही है कि हो क्या रहा है यहाँ पर, वो टटोल कर खंगाल कर आप तक पहुँचाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।